Assalamu alaikum, my dear students. Today we will learn ENV chapter number 9, Birds Around Us. आज हम birds के बारे में बहुत कुछ नया नया सीखेंगे. Are you ready for this? Yes or no? Do you know आप आज हम कौन से topics करेंगे? Let's see. Parts of a bird. Wings, beaks, feet, chirping, nests and migratory birds. आज हम ये 7 topics के बारे में बात करेंगे. We are start from topic number 1, parts of a bird. A bird is an animal whose body is covered with feathers. बर्ड है वो एक एनिमल है जिसका पूरा बॉडी है वो फीदर से कवर हुआ होता है. इट हैज़ टू विंग्स एंड टू लेग्स. उसको टू विंग्स एंड टू लेग्स होते हैं. देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई. बर्ड्स है वो मैनी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और मोस्ट ऑफ जो बर्ड्स है वो फ्लाई भी कर सकते हैं. A bird's body is divided into the head, the trunk and the tail. जो birds की body होती है वो 3 parts में divide होती है, head, trunk and tail. It has 2 pairs of limbs, the wings towards the front and the legs at the back. उसका जो wings है वो front में होते हैं, आगे की side होते हैं और जो legs है वो पीछे की side होते हैं. Different birds have different types of feet. जो जैसे bird different होते हैं वैसे उनके जो feet होते हैं मतलब उनके जो पैर होते हैं वो भी different type के होते हैं. Most of them have sharp claws at the end of their toes. Their wings are covered with feathers. उनके जो पैर होते हैं वो नीचे से एकदम शार्प होते हैं और उनके टोज भी होते हैं और उनके जो विंग्स होते हैं वो फीदर से पूरे कवर होते हैं. दिस फीदर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स साइजेस एंड कलर्स विच हेल्प अस आइडेंटिफाई द बर्ड. जो ये फीदर्स है वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, साइज के होते हैं और कलर के भी होते हैं जैसे हम बर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सम बर्ड्स हैव वेरी ब्राइट कलर्ड फीदर्स. जो सम बर्ड्स होते हैं कोई कोई बर्ड्स होते हैं उनके जो विंग्स होते हैं वो एकदम ब्राइट कलर के होते हैं. उसके फीदर्स एकदम ब्राइट कलर के होते हैं जैसे कि पिकॉक है. उसके विंग्स कैसे मतलब उनके जो फीदर्स होते हैं एकदम ब्राइट कलर के होते हैं वैसे. अ बर्ड्स माउथ इज द फॉर्म ऑफ अ बीक विथ अ नो टीथ एट ऑल. मतलब जो बर्ड्स का जो माउथ होता है वो बीक वाला होता है, उसमें टीथ होते नहीं हैं. मोस्ट बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. मतलब मोस्ट ऑफ बर्ड्स है वो फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि नीचे हमको अभी दूसरी स्लाइड में रीजंस दिए हैं. उससे पहले हमको अ पार्ट्स ऑफ अ बर्ड देखना है. रेडी. पार्ट्स ऑफ अ बर्ड देखो. दिस इज द पिक्चर ऑफ बर्ड. अभी हम पार्ट्स ऑफ बर्ड देखेंगे. व्हाट इज दिस? बीक, हेड, ट्रंक, लेग्स, टेल एंड विंग्स. से विथ मी, बीक, ट्रंक, लेग्स, टेल, wings and head. Understood? Now see the reasons. A bird has a very light body. Bird क्यों fly कर पाता है? क्योंकि उनकी जो body है वो बहुत ही light होती है, मतलब हल्की होती है. A bird has a pair of wings covered with feathers that help it to fly.
जो उनके जो विंग्स होते हैं वो पूरे फीदर से कवर होते हैं और वो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। अ बर्ड हैज़ स्ट्रीमलाइन बॉडी, दिस मीन्स दैट द शेप ऑफ इट्स बॉडी हेल्प्स इट टू मूव क्विकली थ्रू द एयर। उनकी जो बॉडी पूरी होती है एकदम स्ट्रीमलाइन होती है, मतलब ऐसे, मतलब आपको पता है रोबोट कैसे होता है एकदम स्ट्रीमलाइन, वैसे उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। वो जो एयर है उसको एयर के थ्रू फ्लाई कर सकता है। देखो ये जो लाइन्स है वो एयर है और ये बर्ड है कैसे स्ट्रीमलाइन के जैसे फ्लाई कर रहा है। द लाइन शो हाउ अ बर्ड्स बॉडी कट थ्रू द एयर, कैसे ये बर्ड है वो एयर को कट करके फ्लाई करता है, वो हमको ये पिक्चर में दिखा रहे हैं। आपको समझ में आया? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विंग्स। बर्ड्स हैव विंग्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, दे आर कवर्ड विथ फीदर्स। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ फीदर्स ऑन अ बर्ड्स बॉडी। बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स एंड साइज में होते हैं और उनके जो विंग्स है वो पूरे फीदर से कवर होते हैं और वो फीदर से वो थ्री टाइप्स के होते हैं। डाउन फीदर्स, बॉडी फीदर्स एंड फ्लाइट फीदर। डाउन फीदर आर सॉफ्ट एंड शॉर्ट, दे कवर अ बर्ड स्किन एंड हेल्प टू स्टे वार्म। मतलब जो डाउन फीदर है वो छोटे छोटे और एकदम सॉफ्ट होते हैं, जो बर्ड्स की जो बॉडी है स्किन है एकदम मतलब कवर कर देता है और उनको वार्म मतलब गर्म रहने में हेल्प करता है और उनको ठंडी से भी बचाता है। बॉडी फीदर्स कवर द बॉडी ऑफ अ बर्ड एंटायरली एंड गिव शेप टू इट। जो मतलब बॉडी फीदर्स है वो जो बर्ड है उनका उनकी जो बॉडी को पूरा पूरा एकदम कवर कर लेता है और उनको शेप देने में हेल्प करता है। फ्लाइट फीदर्स हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई। फ्लाइट फीदर है वो बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। दे आर यूजुअली फाउंड ऑन द विंग्स एंड द टेल ऑफ अ बर्ड। वो यूजुअली कहाँ पे होते हैं? विंग्स में होते हैं और बर्ड की जो पीछे की टेल होती है वहाँ पे होते हैं। द फ्लाइट फीदर्स ऑन द टेल हेल्प अ बर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। जो टेल में जो फीदर्स होते हैं फ्लाइट फीदर वो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। फ्लाई करते टाइम पर अगर उनको डायरेक्शन चेंज करनी है तो वो फ्लाइट फीदर वो उनकी हेल्प करते हैं। अंडरस्टूड? देयर आर सम बर्ड्स लाइक पेंगुइन्स, ऑस्ट्रिचेस, कीवीज एंड कैसोवरियस दैट कैन नॉट फ्लाई। दे आर नॉन एज फ्लाइटलेस बर्ड। मतलब जो पेंगुइन्स है, ऑस्ट्रिचेस है, कीवीज है, कैसोवरीज है, वो लोग फ्लाई कर सकते नहीं है, उनको फ्लाइटलेस बर्ड बोला जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज बीक्स। बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू ईट। बर्ड्स अपनी जो बीक है वो खाने के लिए यूज करते हैं। द शेप ऑफ अ बर्ड्स बीक डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स। मतलब जो बर्ड की जो बीक है उनका शेप उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो खाते क्या है, उनके खाने के ऊपर से उनका जो बीक का शेप वो डिपेंड करता है। बर्ड्स ऑल्सो यूज देयर बीक्स टू बिल्ड नेक्स्ट। उनका जो नेक्स्ट बनाने के लिए वो अपनी बीक का यूज करते हैं। वेन दे क्लीन एंड स्मूथ डाउन देयर फीदर्स विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स इट इज़ कॉल्ड प्रीनिंग। मतलब जब आपको पता हो तो जो बर्ड्स है वो अपनी बीक से अपने फीदर्स वो क्लीन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रीनिंग। अभी हम क्लीन करेंगे वैसे नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? बर्ड्स प्रीनिंग करते हैं। ऐसे अगर बर्ड्स करेगा तो हम क्या बोलेंगे? बर्ड्स प्रीनिंग करते हैं।
Different birds have different types of beaks. Strong, short and hard beak. Birds like sparrows and pigeons eat nuts and seeds, so they have strong beaks to crack open their food. जो स्पैरोज एंड पीजन्स होते हैं वो नट्स एंड सीड्स खाते हैं, इसीलिए जो उनकी बीक होती है वो एकदम स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट होती है ताकि वो अपना खाना खा सके. स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बीक्स. बर्ड्स लाइक ईगल्स वल्चर्स हॉक्स ईट्स फ्लेश ऑफ अदर बर्ड्स एंड एनिमल. दे आर कॉल्ड birds of prey. They have sharp and hooked beaks to help them to fear flesh. मतलब जो vultures, eagles, hawks वो होते हैं वो other birds का flesh खाते हैं, और जो animals होते हैं उनका भी खाते हैं, उनको birds of prey बोलते हैं. और जो उनकी जो beak होती है एकदम sharp और hooked होती है ताकि वो दूसरों का जो फ्लैश है वो खाने से डरे नहीं. लाइक दिस स्ट्रॉन्ग चिसेल शेप बीक्स. बर्ड्स लाइक वुडपैकर्स एंड होप्स पॉक अ होल इन अ हार्ड ट्री ट्रंक टू पुल आउट इंसेक्ट टू ईट. दस दे नीड चेसल शेप बीक. वो जो वुड पैकर और हॉप्स होते हैं वो अपना मतलब जो ट्रंक होता है, ट्री का जो ट्रंक होता है उसके अंदर से जो इंसेक्ट निकाल के खाते हैं, तो उनकी जो बीक होती है वो स्ट्रॉन्ग चिसेल शेप्ड होती है. लाइक दिस ऐसे वो जो वुड में चोच मार मार के जो इंसेक्ट अंदर जो होते हैं वो खींच के निकालते हैं, तो उनकी जो बीक होती है वो चिसेल शेप की होती है. ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स. वाटर बर्ड्स लाइक डक्स गीज एंड अ फ्यू क्रेन्स हैव फ्लैट एंड वाइड बीक्स. देयर बीक्स हैव होल्स ऑन आइदर साइड ऑफ देम. When a water bird takes in muddy water along with insects, worms and plants, the muddy water flows out of these beaks. मतलब जो geese, ducks and cranes होते हैं उनकी जो beak होती है वो एकदम flat होती है, wide होती है, और उनकी जो beak के ऊपर छोटे छोटे दो holes होते हैं, और जो वो जब इंसेक्ट लेते हैं पानी में से तब उसके साथ कीचड़ भी चिपका हुआ आता है और थोड़ा बहुत पानी भी आता है, तो जब वो इंसेक्ट खाते हैं तो जो कीचड़ और पानी जो चिपका हुआ है होता है वो जो दो होल्स होते हैं उसमें से बाहर निकल जाता है. अंडरस्टूड. ऐसी होती है उनकी बीक. लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स. Birds like humming birds and sunbirds have long and pointed beaks that help them to pierce flowers and suck nectar from them. जो humming birds and sunbirds होते हैं उनकी जो beak होती है वो long and pointed होती है, वो flowers के अंदर से एकदम मीठा जो रस होता है वो खींचने में help करती है. Some water birds like herons and egrets have long, broad and pointed beaks that help them to catch fish. जो herons से egrets से वो उनकी जो beak होती है वो भी broad and pointed होती है ताकि वो fish को catch करने में help करती है. ये humming bird, sun bird, उनकी जो ये आपको बीक दिख रही है वो एकदम पॉइंटेड होती है. लेट सी हाउ. पर्चिंग बर्ड्स लाइक पैरट्स, क्रोज, पिजन्स एंड स्पैरोज हैव फीट दैट हेल्प देम टू ग्रीप द ट्री ब्रांच दैट दे हैव पर्च्ड ऑन.
मतलब जो स्पैरो होते हैं, क्रोज होते हैं, पिजन्स होते हैं, उनके लेग्स ऐसे होते हैं देखो, ताकि वो ट्री की जो ब्रांच है वो अच्छे से पकड़ सके. अंडरस्टूड? बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल्स, हॉक्स एंड वल्चर्स हैव वेरी शार्प क्लोज कॉल्ड टैलॉन्स दैट हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे. मतलब जो वल्चर्स होते हैं, हॉक्स होते हैं, ईगल्स होते हैं, वो अपना खाना कैच करने के लिए, अपना जो फ्लैश ऑफ मीट है वो कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए उनका जो फीट होता है वो एकदम मजबूत होते हैं, वो ऐसे पकड़ते हैं. देखो, सम बर्ड्स सच एज हैंड्स नीड अ स्क्रैच द ग्राउंड टू टेक आउट सीड्स एंड वर्म्स. जो हैंड्स है वो जो सीड्स एंड वर्म्स है वो मर्ड से निकालते हैं, मतलब ज़मीन में से वो निकालते हैं, उसके लिए उसको स्क्रैच की ज़रूरत होती है. दैट टोज वर्क लाइक ट्रॉवेल्स एंड दैट स्क्रैच मड. जो उनके टोज है वो ट्रॉवेल्स के जैसे वर्क करते हैं, और जो मड है उसमें से स्ट्रेच करके सीड्स एंड वॉर्म्स वो लोग निकालते हैं. क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक वुड पैकर्स हैव टोज दैट हेल्प देम टू होल्ड ऑन टू ट्री ब्रांच एंड क्लाइंब अप. जो वुड पैकर है उनके जो टोज है वो उनको जो ट्री पर उनको क्लाइंब करना होता है उसको ट्री को पकड़ने के लिए हेल्प करते हैं. लाइक दिस, देखो, उसने पकड़ा है ट्री को, वैसे जो वो उनके फीट वैसे होते हैं. वाटर बर्ड लाइक डक्स एंड गीस हैव स्पेशल फीट दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर. देयर फ्रंट टोज आर जॉइंट टुगेदर विथ स्किन विच मेक देम अपियर फ्लैट. सच फीट आर कॉल्ड वेब्ड. सच फीट आर कॉल्ड वेब्ड फीट. वेब्ड फीट वर्क लाइक अ पैडल्स एंड हेल्प बर्ड इन स्विमिंग. जो वाटर बर्ड होते हैं, डक्स, गीस, वो उनके जो पैर होते हैं, मतलब उनके जो फीट होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, मतलब स्किन के साथ मैच किए हुए होते हैं, ताकि वो उनका जो पैर है एकदम फ्लैट हो सके. उस वैसे पैरों को वेब्ड फीट बोलते हैं. और उनके जो पैर है वो पैडल की तरह यूज़ होता है. हमारी साइकिल में कैसे पैडल्स होते हैं वैसे वैसे पैडल की तरह यूज़ होते हैं. वो बर्ड को स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं. वेब फीट ऐसे होते हैं उनके फीट. जो डक्स होते हैं, जो वाटर बर्ड्स होते हैं, उनके जो उनको पैडल की तरह यूज होते हैं और स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं. वेडिंग बर्ड्स कैन वॉक इन शैलो वाटर. वेडिंग बर्ड्स है वो शैलो वाटर, मतलब थोड़ा थोड़ा जो पानी होता है उसमें वो चल पाते हैं. हेरन्स एंड स्टॉर्क्स आर कॉमन वेडिंग बर्ड्स. हेरन्स एंड स्टॉर्क्स है वो कॉमन वेडिंग बर्ड्स है. दे हैव लॉन्ग स्लेंडर लेग्स विथ टोज स्प्रेड आउट. मतलब उनके जो लॉन्ग और स्लेंडर लेग्स होते हैं उसके जो टोज है वो स्प्रेड होते हैं. देयर लेग्स हेल्प देम टू वॉक थ्रू वाटर इजीली वाइल पिकिंग फिश. उनके जो लेग्स होते हैं वो उनको किस में हेल्प करते हैं, जो शैलो वाटर में चलने में और फिश पिक करने में. अंडरस्टूड? ऐसे होते हैं उनके लेग्स. आर नेक्स्ट टॉपिक इज चिरपिंग. बर्ड्स कैन यूज द टंग टू चिर. मतलब बर्ड्स अपनी टंग का यूज चिर्प करने में करते हैं और मैक साउंड और साउंड मैक करने में भी टंग का यूज करते हैं. चिरपिंग इज द वे इन विच बर्ड टॉक टू ईच अदर. चिरपिंग से वो बर्ड्स के साथ, उसके जैसे जो दूसरे बर्ड्स होते हैं उसके साथ बात कर सकते हैं. दे यूज डिफरेंट साउंड टू वॉर्न अदर ऑफ डेंजर. मतलब दूसरे जो बर्ड्स है उनको डेंजर से बचाने के लिए, वॉर्न करने के लिए चिरपिंग का यूज़ करते हैं. टू प्रोटेक्ट देम सेल्व एंड टू कॉल आउट टू देयर मेट्स.
मतलब वो ऐसे अपने अपने आप को बचाते हैं और उनके जो दोस्त होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनको बुलाते हैं। वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई अ बर्ड फ्रॉम इट्स कॉल, मतलब हम उनके आवाज़ से बर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पैरोट इज स्पेशल बर्ड दैट कैन कॉपी ह्यूमन साउंड एंड कैन स्पीक ऑलमोस्ट लाइक अस। जो पैरोट है वो स्पेशल बर्ड है जो ह्यूमन बींग है उनकी कॉपी कर सकता है और हम जैसे बोलते हैं वैसे ही वो बोल सकता है। मैनास, कुकूज एंड स्क्रेलार्स, स्काइलार्स एंड नाइटिंगल्स हैव स्वीट साउंड, मतलब मैनास है, कुकूज है, उन लोगों के जो साउंड है वो बहुत ही स्वीट होते हैं। द होम ऑफ अ बर्ड इज कॉल्ड नेस्ट, मतलब जो बर्ड का होम है उसको नेस्ट बोला जाता है। डिफरेंट बर्ड्स मेक नेस्ट ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, मतलब जो बर्ड्स है जैसे बर्ड्स डिफरेंट होते हैं वैसे उनके जो घर होते हैं उनके नेस्ट वो भी डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। देर आर मैनी थिंग्स दैट बर्ड्स यूज टू मेक देयर नेस्ट, मतलब बहुत सारी वैसी चीज़ें जो बर्ड्स अपना नेस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दे यूज स्ट्रो, फाइबर्स, वूल, कॉटन, थ्रेड्स, ट्विंग्स, लीव्स एंड समटाइम्स इवन इन पेपर, इवन पेपर, मतलब समटाइम्स वो पेपर का यूज़ करते हैं। कॉटन, वूल, फाइबर्स, स्ट्रो, थ्रेड्स, लीव्स, वो सब का यूज़ करके वो नेस्ट बनाते हैं। लाइक दिस, ऐसे वो अपनी बीक से पकड़ के सब चीज़ें इकट्ठा करते हैं फिर उसको शेप देते हैं। दे गैदर दिस थिंग यूजिंग देयर बीक्स एंड देन बिल्ड अ नेस्ट विद देम, वैसे वो अपनी सब चीज़ों को गैदर करते हैं और अपना नेस्ट बनाते हैं। बर्ड्स मेक नेस्ट्स टू ले एग्स एंड राइज देयर यंग वंस, मतलब बर्ड्स अपना नेस्ट क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो एग्स है उसमें रखने के लिए और उनके जो यंग वंस है उसमें से बोन होते हैं। अ बेबी बर्ड्स इज कॉल्ड चिक, आफ्टर मदर बर्ड ले एग्स दे नीड टू कीप देयर एग्स वॉर्म टिल द एग्स हैच एंड द चिक्स कम आउट फ्रॉम देम, मतलब जो बेबी बर्ड्स है उनको चिक बोला जाता है और जो मदर बर्ड है वो लेग्स रखने के एग्स ले करने के बाद उनको वॉर्म देती है, मतलब गर्मी देती है ताकि उसमें से बेबी
बर्ड निकल पाए और उनका बॉर्न हो जाता है, और जब तक वो फ्लाई करना नहीं सीखते तब तक वो अपने नेस्ट में ही रहते हैं। लाइक दिस, पहले ले करती है एग्स, मदर बर्ड है वो एग्स को ले करती है, फिर उसको वॉर्म रखती है ताकि चिक्स बाहर निकल पाए, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके बड़े होते हैं, उसको खाना देते हैं, पानी देते हैं, वैसे जो चिक्स है वो बड़े होते हैं, और जब तक नेस्ट में रहते हैं जब तक वो फ्लाई कर पाते नहीं हैं। द चिक्स स्टे इन द नेस्ट टिल दे आर ऑल्ड इनफ टू फ्लाई, दे लीव द नेस्ट एंड फ्लाई ऑफ। जब तक वो बड़े नहीं हो जाते थे जाते जब तक वो फ्लाई करना नहीं सीख जाते तब तक वो नेस्ट में रहते हैं, और उन्होंने जब फ्लाई करना सीख लिया तब वो नेस्ट छोड़ के चले जाते और फ्लाई करने लगते हैं। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज माइग्रेटरी बर्ड्स। Sometimes birds find it difficult to live in a place when the season change and weather becomes hotter or colder. कभी कभी जो birds है उनको रहना difficult हो जाता है जब season change होती है, और जो weather है वो कभी hotter हो जाता है और कभी colder हो जाता है. They fly across great distance to place. वो एकदम बड़ा सा डिस्टेंस वो फ्लाई करके कट कर सकते हैं। वेयर द वेदर इज़ सुटेबल फॉर देम, और वहाँ जाते हैं जहाँ पे उनके लिए सुटेबल वेदर होता है। दे रिटर्न टू वेयर दे कैम फ्रॉम वंस द सीजन चेंज अगेन, और जब तब वापस आते हैं जब सीजन चेंज हो जाती है और उनको जो सूटेबल सीजन है वो मिलती है तब वो वापस आते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइग्रेशन एंड दिस बर्ड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स फॉर इंटेंस इन विंटर व्हेन इट बिकम्स वेरी कोल्ड इन साइबेरिया और प्लेस इन रसिया। ये साइबेरिया वो प्लेस इन रसिया है। साइबेरियन क्रेन्स फ्लाई टू इंडिया विच इज़ मच वार्मर एट दैट टाइम। दे गो बैक ओनली इन स्प्रिंग वंस द वेदर बिकम वार्मर इन साइबेरिया। मतलब जो ये प्रोसेस है उसको माइग्रेशन बोलते हैं, और जो ये प्रोसेस जो बर्ड करता है वो बर्ड को माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। जानने के लिए कि जो साइबेरिया जो रसिया का एक प्लेस है साइबेरिया, उसमें जो क्रेन्स है वो इंडिया में फ्लाई करके आ जाते हैं, और जो क्यों वहाँ से आते हैं क्योंकि जो वहाँ पे जो वेदर है वो बहुत ही वार्मर होता है, बहुत ही गर्म होता है। वो कब वापस जाते हैं जब स्प्रिंग सीजन आती है तब। अ साइबेरियन क्रेन, ऐसे होते हैं साइबेरियन क्रेन जिसकी विंग्स बहुत ही बड़ी होती है ताकि वो बहुत सारा डिस्टेंस एक साथ काट सके। आर वैल्यूज, वी शुड नॉट हार्म बर्ड और थ्रो स्टोन्स एट देम। हमको बर्ड को हार्म करना नहीं है और स्टोन्स मतलब पत्थर उन पर फेंकना भी नहीं है। वी शुड नेवर हार्म देयर नेस्ट और ब्रेक देयर एग्स। मतलब उनके जो नेस्ट है उनको भी हमको हार्म नहीं करना और उनके जो एग्स है उसको भी ब्रेक करने नहीं है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, आप सबको समझ में आया होगा ये लेसन, और बर्ड के बारे में बहुत कुछ जानने भी मिला होगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।